तो कल के व्लॉग में तुम लोगों ने देखा कि हम किस तरह से दुर्गा पूजा दुर्गापुर घूमने के लिए गए थे, और ये वीडियो उसका दूसरा पार्ट है। सो एंजॉय, और याद से सब्सक्राइब कर लेना। तो अभी जो है हम लोग कौन सा नंबर पंडाल में है मेरे को खुद नहीं पता है, क्योंकि इतने इतने घूम चुके हैं ये पता ही नहीं चल रहा कि कितने नंबर में है कितने नंबर में नहीं है, और अभी कितने पंडाल बाकी हैं वो भी नहीं पता। तो अभी ये आए हैं कोई सा तो राम मंदिर, राम मंदिर वाले पंडाल में आए हैं। चलिए सामने जाके आपको दिखाते हैं, रुको जरा पंडाल इसको बोलते हैं ना, एक बार दिखाओ, रुको पंडाल तो इसको बोलते हैं ना रे भाई। अब बाकी सब तो ऐसे ही आसपास के थे, असली पंडाल तो इसको बोलते हैं। उसको छोड़ो, एक बार तुम भीड़ को देखो इतनी भयंकर तरीके से हो रखी है, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हम लोग फिर भी इसके अंदर घुसते हैं। देखिए आए हैं भाई घूमने के लिए, तुम थोड़ी तो भीड़ सहनी होगी ना, समझो तुम सब भी। और मस्त लग रहा है, जो भी बोलो भाई विराट लग रहा भाई साहब, पंडाल इसको कहते हैं ना, सिटी सेंटर वालों पिछले बार मायापुर और इस बार ये मान गए तुम लोग को। भयंकर बनाया कि नहीं बनाया, पूरा भयंकर बनाया जरूर। एक बार तो आओ दुर्गापुर, आओ कभी घूमने के लिए, मस्त जगह है, सही बात बोल रहा हूँ। बस वही है कि थोड़ा बगानियों से बच के रहना, वो थोड़ा चोला टोटका जानते तो कुछ भी हो सकता है ना। वहाँ देखो उस बच्चे को, देखो बच्चे को ले जाया जा रहा है ऊपर इतनी भीड़ में, हुआ जोश रहना चाहिए बस। अरे भाई वो क्या है ये, इतना भीड़ कैसे होने जा रहा है। हाँ जी देखे, अरे भाई ये क्या हो रहा, भाई साहब कैसे अंदर जाएंगे, ये बात है, यही तो मूर्ति में बात है, बाकी सब तो ऐसे ही है। ये मूर्ति देखो तुम एक बार, विराट लग रही है विराट। अरे भाई हटो ना जी सामने से, ये मस्त है देखो। हो गया हालत पंचर हो गया, लेकिन ये मजा लग गया इसमें, इसमें मतलब मेहनत लगा भी तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, दिखने में इतना मस्त है, अंदर से मूर्ति भी मस्त है। तुमने तो देखा ही अभी कुछ सेकंड पहले अभी देखा होगा, अभी देखते यहाँ से निकलते हैं। पता नहीं ये जाते टाइम तो सही रास्ता था, पर आते टाइम ये कुछ सही नहीं लग रहा, पर क्या ही कर सकते हैं, अब गाड़ी में जाते हैं और निकलते गोपाल भाट की तरफ, तो अब मिलते सीधा गोपाल भाट। हाँ तो ये कुछ अभी हमारे सिटी सेंटर का है, अभी बच चुके रात के 12:30 और हमारी आंखों में बिल्कुल भी नींद नहीं है, पता नहीं क्यों पर बिल्कुल भी नींद नहीं। ओ भाई साहब क्या मूर्ति बनाई है, मतलब क्या ही मूर्ति बनाई है, विराट लग रहा है भैया। अंदर में अंदर का व्यू कुछ इस प्रकार का है, मतलब अंदर से भी मेहनत की गई है, उतनी ही मेहनत की गई जितनी की बाहर से की गई है। ओ मम्मी ये हमारी मूर्ति, ये मूर्ति मतलब अलग ही लग रही है भाई, अब तक जहाँ तक जितना देखा सब में से ये परफेक्ट। ये ऊपर से कुछ नज़ारे झूमर वगैरह आसपास के चीज़ें, ये मोटा। अब देखो अभी भी लगभग 3 से 4 पंडाल बाकी होंगे, और रात के 1 बज रहे हैं, लेकिन भीड़ पीछे देख सकते हो किसी भी कीमत पर कम नहीं हो रही है, और आँखों में मेरे अब नींद भी डेरा डालने लगी है। तभी देखते क्या करना है आगे जाके, गोपाल मार्ट तो जाएंगे देखो कुछ भी हो जाए। ये क्या पीछे से क्या बजट लो पड़ गया था क्या, एक पर्दा घेरने के लिए इतना अच्छा पंडाल में। अभी जाते हैं अपने गाड़ी में बैठते हैं और फिर निकलेंगे गोपाल मार्ट की तरफ या कहीं और, चलिए मिलते हैं अब दूसरे पंडाल में। अभी जो है हम लोग भिरंगी पहुंच चुके हैं, यही कहते हैं ना हाँ भिरंगी। तो यहाँ पर सीन कुछ ऐसा है कि आधा से ज़्यादा लोग गाड़ी से उतरते नहीं है, उसका कारण है कि 1.5 किलोमीटर पहले तुमको चल के जाना होगा, फिर 1.5 किलोमीटर तुमको चल के आना होगा अपने गाड़ी तक। भाई भूख क्यों रहा है, अनजान है का, हर साल तो आते हैं
पर कुछ नहीं कर सकते हैं इसलिए मतलब क्या कहाँ था मैं, हाँ 1.5 किलोमीटर देखो तुमको चल के जाना होगा क्योंकि सर्विस रोड बहुत पीछे है और 1.5 किलोमीटर फिर तुमको चल के आना होगा, तो उसी में जो है लगभग आधा घंटा जैसा निकल जाता है क्योंकि पूरा तुम थक चुके होगे, एग्जॉस्ट हो चुके होगे और फिर तुम्हें यहाँ पर आना होगा। तो अगर देखते हैं पंडाल अगर वर्थ इट नहीं रहा तो स्किप करना कह सकते कर सकते हैं स्किप। ओके तो 1.5 किलोमीटर के हिसाब से ये फुल्ली वर्थ इट तो नहीं है, पर हाँ कह सकते कि देखने के लिए आ सकते हो इतने दूर, क्योंकि फिर कोई और ऑप्शन नहीं रहता ना इतने दूर आने के बाद। और ऐसे भी आज ऑफ सीजन चल रहा था, विजयदशमी तो कल ही ख़त्म हो गया, तो फिर क्या ही करोगे आके। ये थोड़ी अलग ब्रीड है जो कि इंस्टाग्राम पर लाइव आ जाते हैं, फट से लाइव आ जाएंगे ये लोग, कुछ देखा देखी सिस्टम नहीं कि आसपास में क्या हो रहा, तुरंत लाइव। ये देख लो मूर्ति किस चीज प्रकार से है, हाँ यहाँ की भी मूर्ति अच्छी लग रही है, पर जो सिटी सेंटर की मूर्ति थी ना वो कुछ अलग ही लग रही थी भाई। बड़ा ही तगड़ा दर्द हो रहा है यहाँ पर। पार पार हो गया भैया, देखो भाई कहने और सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि भैया दुर्गा पूजा घूमेंगे, सारे दुर्गा पंडाल हटा लेंगे, पर जब तुम घूमने आओगे ना तो अभी रात के जैसे 2:30 बज रहे हैं और अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है सारा पंडाल, आंखों में नींद आ गई है, पैर दुख रहे हैं, शरीर काम नहीं कर रहा, पर अंदर में एक जोश है कि घूमेंगे और तुमको भी दिखाएंगे, तो ऐसा आसान नहीं होता। देखो तो कुछ सोच समझ के ही निकलना अगर कहीं दूर निकल रहे घूमने के लिए। दुर्गा पूजा देखो बड़ा भयंकर सा जा रहा है, रात के 1:30 या 2 बज रहे होंगे अभी फिलहाल, मैंने देखा नहीं पर आंखों में नींद बहुत तेज हुई, अभी किसी तरह से तो जाना है, अभी 1.5 किलोमीटर चल के जाना है, पता नहीं ये कौन सा मंदिर है। तो अभी जो है हम लोग गोपाल मठ पहुँच चुके हैं, और गोपाल मठ से कुछ इस तरह की उम्मीद थी नहीं, पर ठीक है पिछला साल वाला इससे अच्छा था, ये क्या बना दिया तो समझ में ही नहीं आ रहा, पर जो भी है अब इतनी दूर आए हैं उम्मीद लगा कर तो देखना तो होगा ना, और अंदर में जाके देखते हैं कि हाँ अभी अंदर में जाके देखते हैं कि मूर्ति किस तरह से है। अंदर में भी पहुंच चुके हैं, काफी अच्छा नजारा है, ये देख सकते हैं मस्त, आसपास का व्यू भी सही है, पर इस तरह की उम्मीद थी नहीं गोपाल मार्ट से, पिछले साल कुछ अच्छा थी और मूर्ति से भी क्या ही कहूँ अब। रुको करीब ले जाता हूँ, देखो तुम एक बार मूर्ति देखो कैसा बना दिया, देखो एक बार पीछे जो भैया लोग आ रहे हैं डीजे बजा के, उनको मतलब हम लोगों ने थोड़ी बहुत फोटो क्लिक करके दी, उनका दिल गार्डन पूरा बजाते हुए आ रहे हैं, पर सही है भाई कभी किसी की मदद करके देखो बहुत मजा लगता है। पर गोपाल मठ दिस वॉज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, बिकॉज पिछले साल की उम्मीदें लगी थी कि इस बार और अच्छा होगा, पर इस बार तो क्या ही बना दिया कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या ही मूर्ति लाया है मतलब, और मेरे लोकल में इससे बढ़िया मूर्ति आई थी यहाँ के मुकाबले, सही बता रहा हूँ, अलग करने की जगह मतलब इतना भी अलग मत कर दो कि इतना बुरा लगने लगे। ओहो ये हमारा आखिरी पंडाल और इसको ज़्यादा सजाया नहीं है, पर हाँ मूर्ति बड़ी अच्छी है इसकी, चलते हैं अभी बाहर चलते हैं क्योंकि ऐसे ही बहुत ज़्यादा
यही था लास्ट पंडाल, पता नहीं हवा महल या ताज होटल क्या कुछ भी कह सकते हो, वही है। बड़ा मस्त सा है, गोपाल मार्ट से तो बढ़िया। देखो अब लेट हो रहा है इसीलिए जल्दी जल्दी चलते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया हम लोगों को, इसीलिए जल्दी चलते हैं। जो है मैं घूम के आ चुका हूँ पूरे दुर्गापुर के सारे दुर्गा पंडाल्स में, और लगभग अभी बज चुके हैं सुबह के 4, जैसा कि तुम देख सकते हो घड़ी में। और अभी ना बहुत तेज नींद आ रही थी गाड़ी में, पर अब नहीं आ रही है। लेकिन अभी मैं सोया तो कल वीडियो आएगी कि नहीं इस बात की मैं गारंटी नहीं ले सकता, क्योंकि 10 बजे वीडियो डालने का मेरा टाइम है, और उस टाइम पर मेरी नींद खुलेगी कि नहीं ये मुझे भी नहीं पता। जैसे कि अभी देख सकते हो अधमरी हालत में से भी सोए पड़े हैं, अभी मैं भी सोता हूँ। मिलते हैं कभी और, नमस्कार।